हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका शर्मा जी के रिव्यूज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है वन आर जो है गेमिंग टेस्ट लेके आया हूँ रियलमी 3 प्रो के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे रियलमी 3 प्रो में हम जो है पूरा एक घंटा जो है इंटेंसिव गेमिंग जो है करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने टाइमर लगाया हुआ है और साथ ही साथ एक घंटे में मैं जो है यहाँ पे 4 गेम दोस्तों प्ले करूँगा। 15-15 मिनट हम जो है हर एक गेम जो है वो प्ले करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एसफॉल्ट 9 मैं प्ले करूँगा, उसके बाद दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट 5, फिर जो है हम अनकिल्ड और उसके बाद लास्ट में जो है पबजी प्ले करके आपको यहाँ पे जो दिखाऊंगा। तो 4 गेम्स यहाँ पे हम जो है प्ले करेंगे पूरे एक घंटे में दोस्तों। साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है टेम्परेचर भी चेक कराऊंगा कि कितना यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज होता है। तो आप यार पूरी देखेगा वीडियो, अच्छी लगे तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, तभी आपको मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टाइमर मैं अभी स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट वाली साइड जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री के करीब है, यहाँ पे अभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 36.3 डिग्री जो है टेम्परेचर है फ्रंट वाली साइड। और अगर बात करूं दोस्तों रियर वाली साइड की तो यहाँ पे भी आपको जो है 36 डिग्री के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर दिखा रहा है रियलमी 3 प्रो में। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे जो है बैटरी दिखाऊं तो 98% यहाँ पे जो है बैटरी है। अभी हम जो है प्ले करना स्टार्ट करेंगे। टाइम जो है हुआ 11:30 रात के। तो देख लो यार कितनी यहाँ पे जो है मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो लाने के लिए। तो बस रिक्वेस्ट आपसे सिर्फ यही है कि यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एसफॉल्ट 9 जो है वो प्ले करेंगे। हम जो है स्टार्ट कर देते हैं अपने टाइमर को और एक घंटा यहाँ पे जो है हमारा टाइमर चलेगा। टेम्परेचर मैंने जैसे आपको दिखाया था अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 डिग्री करीब यहाँ पे जो टेम्परेचर अभी पहुँच गया दोस्तों। हम जो है तीसरे नंबर पे यहाँ पे चल रहे हैं और हमने यहाँ पे जो है हमारी टक्कर और आगे जो है हमारे एक गाड़ी जा रही है, इसको करना है पीछे और उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे फिर फर्स्ट। अभी तक जो है मुझे कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिला, ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह का कोई भी इशू आया है एसफॉल्ट 9 प्ले करते हुए। आपने अभी ओवरऑल देखा है दोस्तों ऐसा कोई भी इशू मुझे यहाँ पे जो है फेस नहीं हुआ है। बहुत ही यहाँ पे जो है गेम प्ले काफ़ी स्मूथ हो रहा है। यहाँ पे 6:40 हो गए हैं खेलते हुए और टेम्परेचर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अब भी और बढ़ रहा है। 40 डिग्री के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर गया था, 40.4 के करीब यहाँ पे जो है फ्रंट वाली साइड आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और रियर वाली साइड की बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी दोस्तों 40.8 के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो 40 डिग्री जो है टेम्परेचर अभी हो गया है दोस्तों। आज जो है हम पूरा जो है टॉर्चर करेंगे रियलमी 3 प्रो को दोस्तों, ठीक है कि नहीं। हीटिंग टेस्ट भी इसका हो जाएगा, गेमिंग टेस्ट भी हो जाएगा। हीटिंग टेस्ट वैसे मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना यार। यहाँ पे हल्का हल्का जो है वो फ़ोन जो है वो फील हो रहा है कि गर्म है, जैसे मैंने आपको बताया कि 40 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। तो यार फ़ोन हो ही जाता है इतना, तो इतना अभी तक मुझे नॉर्मल लग रहा है क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी इतना हो जाता है यार। तो अभी तक इतना है फिलहाल, अगर 40-42 तक रहता है मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। बस मुद्दा ये है, भाग रही है रानी हमारी, ये रानी है हमारी ऑरेंज कलर की। ओ देखो अब थोड़ा यार 360 डिग्री वाला कर लें ये स्टाइल। ओ ये तो अच्छा, उधर से होना था 360 वाला, अब कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए 360 घूम रही है गाड़ी हमारी। अभी हम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, जब से खेल रहे हैं हम फर्स्ट पोजीशन पे चल रहे हैं, ये अच्छी बात है ना। 10 मिनट के करीब हो गए हैं और 10 मिनट में मेरे ख्याल से तीसरी चौथी गेम होगी और हम जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके यार ये भी बताना कि एसफॉल्ट 9 में हर किसी की फर्स्ट पोजीशन आ जाती है क्या। मुझे लग रहा है यार ये फर्स्ट पोजीशन लाना इसमें इजी है, मतलब मैं जब से खेल रहा हूँ यार, जब से खेल रहा हूँ मैं सच में बता रहा हूँ, तो ये फर्स्ट पोजीशन ही आ रही है मेरी। तो देखते हैं कोई राउंड ऐसा थोड़ा टफ आए, थोड़ा लेंथी राउंड आए, हो सकता है तब थोड़ा सा हो जाए दिक्कत। और यहाँ पे मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री के करीब पहुँचा है अभी तक दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप नीचे देख सकते हैं मैक्सिमम वाला जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो नीचे जो मैक्सिमम जाएगा मैं आपको वो जो है वो बता दूंगा। अब बैक वाली साइड देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे जो है 40 डिग्री के करीब 39 डिग्री आपको बैक वाली साइड देख रहा है। ओ गेम स्टार्ट हो गई है दोस्तों, बातों बातों में पता ही नहीं चला हमें, तो फर्स्ट आना है हर गेम में, कहीं बेइज्जती हो जाए कि भैया इस गेम में तो फर्स्ट आए नहीं आप।
आप तो बोल रहे थे फर्स्ट आता हूँ मैं हर गेम में, और दो बंदे भाग गए और तीन भाग गए यार, ये क्यों आ गया? शॉक वेव गिव्स यू ह्यूज बूस्ट ऑफ स्पीड। ठीक है भैया समझाओ, मतलब खेलने दो। ये टक्कर मारे और ये कहानी ख़त्म करी हमने इस गाड़ी की, बट ये अभी भी हमारे आगे, और उसके बाद एक और गाड़ी आ गई, दो गाड़ियों ने लगाई है छलांग और हम जा रहे हैं आग लगा के पूरी रोड पे नाइट्रोजन छोड़ते हुए। और यहाँ पे एक गाड़ी देखिए दोस्तों कहाँ तक पहुँच गई है, अब इसका तो हमें जो है मुकाबला करना पड़ेगा और इसको जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना हमने यहाँ पे जो है पोल्यूशन किया हुआ है, रैश ड्राइविंग कितनी हमने करी है आज पूछो मत, और फर्स्ट आ ही गए हैं हम हर बार की तरह। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने जो है रेस्ट मोड पे रख दिया आज हल्को, ये देखिए आगे खड़ा होता है, आज हमने इसको बिठा दिया है कि भैया रेस्ट कर ले आए, तो थक गया, रात काफ़ी हो गई है, 12 बजने वाले हैं, तो हमने इसलिए इसको जो है रेस्ट मोड पे डाला हुआ है। बट इसका देखिए फेस इधर ही हमारी तरफ ही गेम देख रहा है हमारी, कोई बात नहीं, चलो जब तक हम नहीं सोते तो ये भी हमारा साथ दे रहा है हल्क, जैसे आप साथ देते हो ऐसे ये भी देते हैं, क्यों सही बात है कि नहीं? आपको आवाज़ से ऐसे तो नहीं लग रहा कि मुझे नींद आ रही है? वैसे सच में आ रही है यार सच में नींद आ रही है, सच में बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है 15 मिनट होने वाले हैं, जल्दी जल्दी जो है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि टेम्परेचर अब जो है इसमें रियलमी 3 प्रो में कितना है। दोस्तों जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे 39.4 डिग्री 40 डिग्री पहुँच गया, 40 डिग्री के करीब आपको फ्रंट वाली साइड और रियर वाली साइड जो है 41.2 मैक्सिमम जो है टेम्परेचर गया है। दोस्तों अभी जो है फर्स्ट गेम अपनी ख़त्म कर देते हैं और दूसरी गेम जो है हमारी मॉडर्न कॉम्बैट 5 उसको जो है स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। और हाँ यहाँ पे हम जो है बैटरी देखना भूल गए, 93%। तो दोस्तों 93% जो है वो बैटरी जो है वो दूसरी गेम स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे है, मतलब 5% यहाँ पे जो है वो बैटरी हमारी 15 मिनट में यहाँ पे जो गई है। मिनट के करीब यहाँ पे 22 मिनट के करीब होने लगे हैं, अभी भी 9 मिनट पड़े हैं, तो अभी जो है हम इसको प्ले करेंगे और मॉडर्न कॉम्बैट को। और यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेम्परेचर देख सकते हैं आप दोस्तों, 40 डिग्री के करीब ही टेम्परेचर है यहाँ पे, और रियर वाली साइड अगर आपको दिखाऊँ तो 41.7 तक यहाँ पे जो है टेम्परेचर दोस्तों गया है कहीं से भी अगर आपको दिखाऊँ तो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 मिनट के करीब हमें जो है और हो गए हैं यहाँ पे ये गेम खेलते हुए, और आधा घंटा हो गया है टोटल। और यहाँ पे जो है जल्दी से जो है टेम्परेचर एक बार चेक करा देता हूँ, तो फ्रंट वाली साइड आप देख सकते हैं कि 41 के करीब यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर दिखा रहा है फ्रंट वाली साइड। और रियर वाली साइड की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे 41.8 यहाँ पे जो है मैक्सिमम जो है रियर वाली साइड टेम्परेचर दोस्तों दिखा रहा है। एक बार इसको जो है पॉज कर लेते हैं, उसके बाद जो है दूसरी गेम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी जो है वो दोस्तों 89% है यहाँ पे, मतलब 4% जो है यहाँ पे बैटरी जो है वो कंज्यूम हुई है अगले जो 15 मिनट में। अब जो है हम दोबारा से जो है इसको स्टार्ट करेंगे और अगली गेम जो है यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है दोस्तों अनकिल्ड। दोस्तों अभी तक किसी भी गेम में हमें जो है ऐसा कोई भी लैग वगैरह यहाँ पे जो है वो नहीं देखने को मिला, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इसमें जैसा कि आपको पता है एड्रीनो का 616 GPU आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलता है रियलमी 3 प्रो में दोस्तों, वो प्रोसेसर जो है आपको यहाँ पे जो है स्नैपड्रैगन का 710 देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस है। गेमिंग जो है बिल्कुल मक्खन की तरह दोस्तों यहाँ पे जो है चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल भी मुझे अभी तक मैं बोल रहा हूँ 1% की भी यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं आई दोस्तों गेम खेलते हुए यहाँ पे। सच में बोल रहा हूँ कि अगर आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए तो आप ये फ़ोन जो है वो ले सकते हो, गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे जो है वो नहीं आने वाली दोस्तों। और दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया है बार बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि टेम्परेचर की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, 41 डिग्री यहाँ पे जो है टेम्परेचर चला गया है। स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको पता है 36 डिग्री के करीब था, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 38.8 डिग्री 39 डिग्री आपको रियर वाली साइड, और फ्रंट वाली साइड यार आपको 39 डिग्री यहाँ पे जो दिखा रहा है, कमाल की बात है। टेम्परेचर में मुझे नहीं लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम है।
यहाँ पे जो है अकेले रह गए हैं और ज़ॉम्बीज़ जो है इधर उधर से आ जाते हैं, मतलब करते तो गन वगैरह तो नहीं है कुछ, बट ये जो है इकट्ठे आ जाते हैं, तो बस यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखते हैं दोस्तों किस साइड जाना है, इधर जाना है। और आप देख सकते हैं कि 45 मिनट हो गए हैं हमें ओवरऑल जो गेम प्ले। ओहो, ये देखिए कितने ज़ॉम्बीज़ हैं यहाँ पे, इन पे हमें करना है अटैक और इनका करना है दोस्तों खात्मा। यहाँ पे सामने भी एक ज़ॉम्बी है, देखिए क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है यार, तू क्या कर रहा है। चल तो दोस्तों आप देख सकते हैं 45 मिनट हमें यहाँ पे जो है हो गए हैं ओवरऑल गेमिंग करते हुए, और इस गेम को खेलते हुए भी हमें जो है करीब 14 मिनट जो है यहाँ पे हो गए हैं। और अच्छा यहाँ पे जो है गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है ओवरऑल Realme 3 Pro में। अब यहाँ पे जो है एक गेम नहीं बल्कि 4 गेम हमने यहाँ पे जो है प्ले करके आपको दिखानी है। 3 गेम तो हो गई हैं और चौथी गेम PUBG इसके बाद जो है प्ले करेंगे। बस बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में दोस्तों, और साथ ही साथ मेरे चैनल के साथ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों करीब करीब यहाँ पे जो है वो 45 मिनट हो गए हैं, मतलब 15 मिनट हो गए हैं ये खेलते। अब भी यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं टेम्परेचर 39.5 डिग्री आपको फ्रंट वाली साइड देखने को मिलता है, और रियर वाली साइड आपको यहाँ पे जो है 40.6 डिग्री जो है टेम्परेचर है आपको जो है देखने को मिलता है। अगर बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे आपको 84% यहाँ पे जो है बैटरी रिमेनिंग मिलती है, जबकि पहले जो है वो 89% थी। तो यहाँ पे भी दोस्तों 5% जो है बैटरी गई, और 40-41 के करीब यहाँ पे जो है आपको टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो ये एक अच्छी बात है, इसको जो है थोड़ा पॉज कर लेते हैं उस और पबजी जो है स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब लास्ट हमारे पास दोस्तों 15 मिनट पड़े हैं, तो 15-20 मिनट हम जो है इसमें पबजी प्ले करेंगे और आपको दिखाते हैं कि अब पबजी में क्या टेम्परेचर और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ता है कि नहीं। अभी तक जितना टेम्परेचर बढ़ा है वो तो जो दोस्तों नॉर्मल है, क्या इसके बाद जो है पबजी जब खेलेंगे तो टेम्परेचर और बढ़ेगा कि नहीं, तो बने रहिए और देखिएगा दोस्तों पूरी वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों पबजी जो है वो हो गई है स्टार्ट, और हमारा यहाँ पर जो है 46 मिनट हो गए हैं, तो करीब करीब 15-20 मिनट हम यहाँ पर जो है वो और दोस्तों खेलेंगे इसको। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों ग्राफिक्स में मैं यहाँ पे जो है HD में और हाई में आपको यहाँ पे जो है पबजी प्ले करके इसमें दिखा रहा हूँ। अभी तक दोस्तों हमने यार ये देखा कि हमें जो है हर 15 मिनट में 5% के करीब जो है बैटरी कंज्यूम हो रही है, और टेम्परेचर जो है वो 40-41 के बीच में बना हुआ है। अब पबजी दोस्तों स्टार्ट होने वाली है, टेम्परेचर यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि कितना आपको यहाँ पे जो मिल रहा है। 41 डिग्री के करीब आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर फ्रंट वाली साइड दोस्तों देखने को मिल रहा है। रियर वाली साइड की दोस्तों बात करूँ तो रियर वाली साइड आप देख सकते हैं कि आपको रियर वाली साइड जो है यहाँ पे 41.4 मतलब 41 डिग्री के करीब ही आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दोस्तों देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अभी पबजी जो है स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट भी यहाँ पे, ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 1 घंटा हो गया हमें ये सारी गेम जो है वो प्ले करते हुए। अभी जो है यहाँ पे एक बार टेम्परेचर आपको दिखा देता हूँ कि पबजी हमने यहाँ पे जो है 15 मिनट यहाँ पे जो है प्ले करी है, ओवरऑल यहाँ पे 41.6 डिग्री जो है मैक्सिमम टेम्परेचर गया है फ्रंट वाली साइड, और रियर वाली साइड दोस्तों अगर आपको दिखाऊँ तो 42.9 के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर गया है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप बोलते हो तो मैं यहाँ पे आपके लिए जो है 1 घंटा जो है पबजी प्ले करके भी आपके लिए यहाँ पे जो टेस्ट ले आऊँगा। एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे जो कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है उसकी जो बैटरी है वो भी डाउन होने वाली है। तो दोस्तों जैसा आपने देखा कि अभी यहाँ पे हमने जो है 4 गेम यहाँ पे जो प्ले करी, हाँ यहाँ पे जो है बैटरी एक बार परसेंटेज देख ले तो 79%। तो दोस्तों 18-20% यहाँ पे जो है वो बैटरी कंज्यूम हुई है, मतलब 1 घंटे में, मतलब हर 15 मिनट में यहाँ पे जो है 5% जो है वो बैटरी कंज्यूम हुई है, और जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया है अभी जो पबजी जैसे हमने खेली तो रियर वाली साइड जो है वो 42.9 यहाँ पे जो टेम्परेचर गया था, और फ्रंट वाली साइड जैसे आपने देखा कि 40-41 के करीब यहाँ पे जो है टेम्परेचर राइज हुआ था। तो ओवर यहाँ पे ये जो है गेमिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है बिल्कुल मक्खन मलाई वाला यहाँ पे जो है गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों देखने को मिलता है Realme 3 Pro में। कोई भी गेम खेल लो बिल्कुल भी लैग नहीं होती, कोई दिक्कत परेशानी वाली दोस्तों बात नहीं है। और बात करें अगर जैसे टेम्परेचर की, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो इतना राइज हुआ मेरे हिसाब से नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। यहाँ पे आराम से आप जो है इसको परचेज कर सकते हो Realme 3 Pro को, अगर आपने गेमिंग ही करनी है। गेमिंग के लिए बहुत अच्छा फ़ोन है दोस्तों यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इंप्रेस हुआ
इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इसका ओवरऑल जो है एक घंटे का जो है गेम प्ले। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका कोई भी सवाल है सुझाव हो कुछ भी आप नीचे यार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।